हिमाचल अभी अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर, पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। स्कूलों में आउटसोर्स पर तैनात व्यवसायिक शिक्षकों को मिलेगा 20 दिनों का संवैतनिक अवकाश, अधिसूचना जारी। मौजूदा सेब सीजन के लिए HPMC CA स्टोर्स में भंडार दरें तय। कोटखाई के इंद्रकाल्टा का हुआ VIP नंबर HP9999999। विभाग के खाते में जमा करवाए पैसे। हिमाचल में 6 जुलाई को सड़कों पर उतरेंगे बागवान, 24 घंटे का धरना, 24 केजी पैकिंग का विरोध। इंपोर्ट ड्यूटी 100% करने की मांग। IIT मंडी में शुरू हुई G20 S20 मीट। नीति निर्माता, हितधारक और विशेषज्ञ जुटेंगे एक साथ। योग सिखाने के बहाने युवती से की अश्लील हरकत, योग शिक्षक अरेस्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने राज्य के विभिन्न स्कूलों में राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के अंतर्गत कार्य कर रहे आउटसोर्स व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं को 20 दिनों का संवैतनिक अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में प्रदेश सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हाल ही में आउटसोर्स व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उनसे चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि संघ की एक मुख्य मांग पूरी करते हुए सरकार ने उन्हें 20 दिनों के संवैतनिक अवकाश प्रदान करने की अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम की ओर से सेब सीजन के लिए HPMC CA स्टोर में सेब के भंडारण की दरें निर्धारित कर दी गई हैं। किसानों को और सेब उत्पादकों की सुविधा के लिए सेब को स्वयं के डिब्बे अथवा क्रेट में 1.60 रुपए प्रति किलोग्राम प्रति माह रखने की दर निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त जो सेब उत्पादक HPMC द्वारा प्रदान किए गए डिब्बे एवं क्रेट्स का उपयोग करना चाहते हैं, उनके लिए दर 1.70 रुपए प्रति किलोग्राम प्रति माह की दर सुनिश्चित की गई है। हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग का VIP नंबर HP9999999 नंबर आखिरकार 30 लाख में बिक गया है। कोटखाई निवासी इंद्रकाल्टा ने इस नंबर को 30 लाख में खरीदा है। इस नंबर के लिए अधिकतम बोली लगाने वाले इंद्रकाल्टा ने 29,98,500 रुपए भी विभाग के खाते में जमा करवा दिए हैं। इसकी पुष्टि डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ने की है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग इस तरह के VIP नंबर की नीलामी कर रहा है, जिससे प्रदेश की आय में वृद्धि होगी। अब बिना 30% टोकन मनी दिए नंबर के लिए फ्रॉड आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ट्रांसपोर्ट विभाग ने ऑनलाइन प्रक्रिया को मजबूत बनाया है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के सेब बागवान 6 जुलाई को सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। सेब उत्पादक संघ के आज शिमला में संपन्न अधिवेशन में बागवानों ने यह निर्णय लिया। इस दिन बागवान सभी ब्लॉक में SDM या तहसीलदार दफ्तर के बाहर 24 घंटे का धरना देंगे। आज के अधिवेशन में बागवानों ने प्रति पेटी 24 किलो सेब भरने की शर्त का विरोध किया। सेब उत्पादक संघ के अध्यक्ष सोहन ठाकुर ने बताया कि कुल्लू में 24 किलो की पेटी का बागवान को 20 किलो का पर्चा देकर रेट तय किया गया। इसी तरह से प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी बागवानों के साथ ठगी होगी। सेब की पैकिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से यानी 20 किलो प्रति पेटी होनी है। उन्होंने बताया कि अधिवेशन में बागवानों ने टेलीस्कोपिक की जगह यूनिवर्सल कार्टन अनिवार्य करने की मांग की। भारत के G20 मुखिया बनने के बाद देश में लगातार चल रही बैठकों की कड़ी में IIT मंडी में G20 S20 बैठक बुधवार को शुरू हो गई है। मीट का शुभारंभ IIT मंडी के BOG यानी बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन प्रोफेसर प्रेमव्रत ने किया। प्रोफेसर प्रेमव्रत ने बताया कि मीट का उद्देश्य विभिन्न प्रमुख नीति निर्माताओं, हितधारकों और विशेषज्ञों को एक साथ लाना है, ताकि इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आधारित विभिन्न विषयों पर काम किया जा सके। IIT मंडी जलवायु नियंत्रित कृषि, AI और रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी,
क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर फिजिकल सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों में कुशल जनशक्ति के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। ये घटना हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला की है। यहाँ पर एक युवती ने योग शिक्षक पर योग सिखाने के बहाने अश्लील हरकत का आरोप लगाया है। इस संबंध में युवती ने पुलिस के पास शिकायत भी दर्ज करवाई है। आरोपी युवक को पुलिस ने युवती की शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित युवती शिमला की रहने वाली है। एएसपी योगेश रोल्टा ने कहा कि पुलिस ने युवती की शिकायत के आधार पर योग शिक्षक मनोज वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।